Subscribe and press the bell icon on the YouTube app. Never miss the update. Join entire knowledge world family. का नाम है राष्ट्र। देश की भौगोलिक विविधताएं कौन कौन सी हैं? हमारा देश विविधताओं का देश है। वर्ष में यहाँ 6 ऋतुएं होती है। यहाँ की प्राकृतिक रचना, वनस्पति, जलवायु, मौसम पूरे देश में अलग अलग है। उत्तर में पर्वत है तो दक्षिण में सागर, कहीं बर्फीली सर्दी है तो कहीं अत्यधिक गर्मी। हमारी एकता किन किन बातों से प्रकट होती है? हमारे देश में अलग अलग दिखाई देने पर भी एक सांस्कृतिक सामाजिक एकता की भावना विद्यमान है, जो देश की एकता व अखंडता पर संकट आने के समय प्रबल रूप में प्रकट होती है। संस्कृति एवं इतिहास से एकता कैसे स्थापित हुई है? देश में प्रचलित रीति रिवाज परंपराएं भारतीय संस्कृति के ही अंग हैं। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। देश के ऐतिहासिक स्थान में जाकर लोग अपने इतिहास को जानते हैं और देश के प्रति उनका स्वाभिमान जागृत होता है। उत्तरम वाले श्लोक का भावार्थ लिखिए। इस श्लोक का भावार्थ है, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में फैले भूभाग को भारतवर्ष कहते हैं। हम सब भारतीय भारत माँ की संतान हैं। राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है? राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। यह हमारा देश है, यह हमारी मातृभूमि है। देश के प्रति यह मातृभाव ही हम सब में भाईचारा बढ़ाता है। इस प्रकार की एकता को प्रकट करने वाली बातें राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करती है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानों के नाम पाठ से छांट कर लिखिए। 3 तीर्थ स्थान, अमृतसर, बोधगया, तिरुपति। 3 ऐतिहासिक स्थान, आगरा, दिल्ली, जयपुर। 3 मेलों के नाम, नौचंदी, सोनपुर, देवाशरीफ। 3 धामों के नाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। The end. Subscribe for more videos and information.